हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का डे फाइव का क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एसएससी का, जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितना इसके पहले 4 वीडियो मैंने दिया और ये 5वां वीडियो है, सबका एक जगह अच्छे से फेयर कॉपी बना करके कलेक्शन कर लेना। जिस टाइप के क्वेश्चन में डाउट्स हो, कमेंट में जा करके कहना कि अगले क्लास में फिर से मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। यदि कोई वस्तु 200% लाभ पर बेची जाती है, तो उसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। अच्छा बता, 200% लाभ, अगर 10% लाभ होता है, हम लोग क्या जानते हैं कि सीपी हमेशा 100% होता है। अगर 10% लाभ होता तो एसपी 110% होता, 20% लाभ होता तो एसपी 120% होता। यहाँ पे क्या करा, 200% लाभ, तो एसपी जो होगा वह 100 में 200 जोड़ देंगे, दैट इज 300%। अब क्या कर रहा, पहला नाम क्रय मूल्य का यानी सीपी, और बाद में किसका नाम है एसपी, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो ये है 100 और ये है 300, तो रेशियो क्या होगा, 1:3। यानी ये तो देख करके आंसर देने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन 3। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200% प्रॉफिट यानी एसपी 300 प्रॉफिट, 2000% प्रॉफिट होता तो एसपी 2100% होता। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। हरीश ने 1200 रुपये में एक सेकेंड हैंड टाइपराइटर खरीदा, कितना में खरीदा, 1200 में, और फिर क्या कह रहा है, उसकी मरम्मत पर 200 रुपये खर्च किए। हम लोगों ने देखा था कि कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य क्या होता है, तो जितना मैं खरीदा वो प्राइस प्लस उस पर अलग से मरम्मत पे या लाने जाने पे, लाना ले जाना, इस पर जो खर्च होगा या अन्य किसी भी तरह का खर्च जो विक्रय से पहले है, तो सबको मिला दो वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस हमारा होगा 1200 और 200, 1400, और उसने इसे बेचा, सेलिंग प्राइस है कितना, तो 1680। तो जब एसपी ग्रेटर है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट, तो इसमें से ये घटा लेंगे 280। और क्वेश्चन का नहीं, प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो 280 डिवाइडेड बाय नीचे तो सीपी होता है 1400 × 100%। ये 20 तो कैंसिल, 14 × 2 = 28, आंसर कितना, 20%। समझ में आ रहा है, सीपी कितना 1200 200 1400, एसपी कितना 1680 में बेच रहा है, उसका लाभ या हानि परसेंट, तो लाभ होगा क्योंकि एसपी बड़ा है, तो 280 इसमें से ये घटा दिया। अब प्रॉफिट 280, तो प्रॉफिट परसेंट 280 × 1400 × 100 यानी 20%। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला है, करीम ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी, रेट क्या है, 10 रुपये दर्जन। तो फिर हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 150 × 10, और उसका ऊपरी खर्च भी है कितना, 100 रुपया। तो ये 1500 और 100 कितना हो गया, 1600। उसने उन्हें प्रत्येक 1 रुपये 20 पैसे में, प्रत्येक यानी एक का, तो एसपी जो है, पहले तो हम लोग देखें 150 दर्जन है, तो
150 गुना 12 पीस हो गया प्रत्येक का, और इसको एक रुपया 20 पैसे में बेच रहा है, तो 15 गुना 12 180 गुना 12 2160। फिर देख रहे हैं, यानी फिर से देखो, करीम ने 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से 150 दर्जन पेंसिल खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 1500 प्लस 100 रुपया अलग से खर्च किया 1600, और जो बेच रहा है प्रत्येक एक रुपया 20 पैसे में, यानी एक का दाम एक रुपया 20 पैसा है, तो है कितना पेंसिल, खरीदा था थोड़ा दर्जन में, तो 150 गुना 12 पीस हो गया। 12 से गुना क्यों किए, क्योंकि एक दर्जन में 12 होता है, तो इतना हो गया, आ एक का कॉस्ट एक रुपया 20 पैसा है, तो 2160 हो गया। अब हम लोग देखें प्रॉफिट कितना हो गया, 560। तो प्रॉफिट परसेंट अगर पूछे तो 560 डिवाइडेड बाय सीपी यानी 1600 इंटू 100, ये दो जीरो कैंसिल, 16 × 3 = 48, 48 × 8 16 × 5 = 80, 35 बार में कट जाएगा, यानी 35% प्रॉफिट, यानी ऑप्शन डी। तो इस ढंग से अगर खरीदा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ओवरहेड्स दिया हुआ है, खर्च दिया हुआ है, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारा टोटल सीपी निकल जाएगा, एसपी दिया हुआ है, आराम से निकल गया। क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को 1800 रुपया प्रत्येक में बेचने पर, यानी दोनों का एसपी 1800 है, प्रत्येक में बेचने पर ए और बी का लाभ परसेंट समान है। क्या कर रहा है, जो ए का लाभ परसेंट है वही बी का लाभ परसेंट है, साथ साथ क्या कहा, एसपी समान है, पहले का एसपी 1800, दूसरे का भी एसपी 1800, लेकिन ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। हम लोग क्या जानते हैं, लाभ तो क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन ए जो है विक्रय मूल्य पर करता है, यानी ए जो है वो 1800 रुपये पर करता है, और बी जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे, जबकि बी इसका सही गणना लागत मूल्य पे करता है, तो हमको लागत मूल्य भी निकालना है। अब देखें, एसपी तो 1800 है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कि एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये होता है फॉर्मूला। तो 1800 गुना 100 बटा 120 काटेंगे 1500, बस एसपी दिया हुआ था, सीपी निकाल लिए। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, 1800 रुपया प्रत्येक में बेचता है, दोनों का एसपी जो है 1800 है, लेकिन ए और बी का लाभ परसेंट समान है, ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि बी इसकी सही गणना लागत मूल्य पे करता है। देखो, ब्रेक कर कर के क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालो, रुक रुक करके पढ़ो, जहां फुल स्टॉप हो वहां रुको और फिर पढ़ो। जो 20% के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो उनके मुनाफे में क्या अंतर है, एसपी 1800 है, सीपी निकाल लिया, 1800 गुना 100 बटा 120 1500। अब देखो, ए जो है वो 1800 का 20% सोचता है, क्योंकि एसपी पर सोच रहा है, 18 × 36 = 360, जबकि बी जो है 1500 का 20% सोचता है, यानी 300 सोचता है, दोनों का अंतर क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, ₹60, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमा हुआ है, लेकिन आप भी उसी हिसाब से घूम जाओ कि जब दोनों का एसपी 1800 है और प्रॉफिट परसेंट 20% है, तो एसपी अगर मालूम है तो सीपी निकल गया, अब रास्ता आसान हो गया। पहला जो है एसपी पर सोचता है 20%, और दूसरा जो है सीपी पर सोचता है, तो एसपी यानी 1800 का 20% 360, और दूसरा 1500 का 20% 300,
दोनों का अंतर पूछ रहा है, मुनाफे में क्या अंतर है 60 का। क्लियर? दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखना। अगर कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ए और बी में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु 1818 में बेची। ईच ऑफ ए एंड बी सोल्ड देयर आर्टिकल एट 1880, यानी एसपी सेम है, बट ए इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%। ए को 10% का लॉस होता है और बी को 1% का गेन। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि एसपी सेम है, 18-18 है, लिखो या ना लिखो, ऐसे लिख दें क्या SP1 = SP2, और SP बराबर क्या होता है CP1 × 100+ PP%, और ये CP2 × 100+ PP2%। अगर लॉस है तो माइनस, यही कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला काम कर रहा है। तो हम लोग देखें कि ये नहीं मालूम तो CP1 और CP2 का रेशियो क्या हो जाएगा। तो P2 कितना है, देखो 1% का लाभ, यानी ये हो जाएगा 101, और पहला क्या है 10% की हानि, मतलब ये हो जाएगा 90, ये होगा 90, क्योंकि 100 में से 10 घटेगा और ये 100 में एक ऐड होगा, तो ये हो गया 101। तो इधर 101 है तो ऊपर रह गया, इधर जो ये आएगा 90, यानी रेशियो हो गया 101:90। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, एकदम फास्ट हम लोग क्या देखेंगे CP1 / CP2। तो दूसरा वाला यहाँ ऊपर होगा यानी 100 + 1 = 101, और पहला वाला नीचे होगा 100 - 10 = 99। SP सेम है, लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर SP सेम है तो नहीं लेंगे हम लोग, देखने के साथ 10% है ना हानि, 101 90, यानी ऑप्शन ए। कितना बड़ा क्वेश्चन, कितना आसानी से हम लोग बना लिए। जब एसपी सेम है तो मत लो, 18-18 क्या इसके जगह कुछ भी रहता, नहीं लेते। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 5 रुपये में 4 की दर पर सेब खरीदता है और 4 रुपये में 5 की दर से बेचता है, तो उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होता है। तो देखें 4 का गिवन क्या है, 4 का सीपी कितना, ₹5, और 5 का एसपी कितना है, तो ₹4, ये गिवन है। या तो हम लोग सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 5 से 5 को मल्टीप्लाई किया, ये 25, सीपी हो गया 25, 4 से इसको किया एसपी हो गया 16, तो ये क्या हो गया आपका सीपी, ये क्या हो गया एसपी। प्रॉफिट होगा या लॉस, लॉस होगा, और लॉस कितने का, 9 का। तो लॉस परसेंट 9/25 × 100, 4×9=36%। सीधा इसके क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई और इसके क्वांटिटी से इसको, तो ये सीपी में मल्टीप्लाई किया तो सीपी 25 हो गया और एसपी कितना हो गया 16। सीधा 9/25 × 100। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति
₹15 में 12 अंडे खरीदता है, यानी फिर वैसे ही 12 का सीपी कितना ₹15। और ₹14 में 10 की दर से, यानी 10 का एसपी कितना ₹14, ये दिया हुआ है। बस हम लोग को उल्टा ये मल्टीप्लाई करना है, किससे किसको, तो इस 10 से 15 को और 12 से 14 को। 15 गुना 10 150 सीपी हो गया, 12 गुना 14 168 एसपी हो गया। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 18 का। प्रॉफिट परसेंट अगर पूछे तो 18 बटा 150 गुना 100, 50 से ये 3, 50 से ये 2, 3 से ये 6, 6 दुना 12% प्रॉफिट, ऑप्शन बी। एकदम सेम क्वेश्चन था। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो जल्दी से आप लोग बना करके आंसर बोलिए। क्वेश्चन है, गणेश बॉट सम ऑरेंज एट 20 फॉर ₹25 एंड सोल्ड देम एट 15 फॉर ₹18। यानी कुछ संतरे 20 संतरे 25 की दर से खरीदे, 20 का सीपी, मेरे बनाने से पहले आपका आंसर आना चाहिए, इज इक्वल टू ₹25। और 15 संतरे 18 की दर पर बेच दिए, 15 संतरे 15 का एसपी कितना है ₹18। हम लोग क्या करेंगे, इसको 15 से और इसको 20 से, 15 गुना 25 375 और 18 गुना ये 360, लॉस हो रहा है, सीपी ज़्यादा है, लॉस कितने का हुआ, 15 का। अगर लॉस परसेंट निकालना है तो क्या होगा, 15 बटा 375 गुना 100, 25 से ये 4, 25 से ये 15, 15 कैंसिल, 4% लॉस, ऑप्शन सी। तो इस टाइप का क्वेश्चन में से भी आप आराम से निकल सकते हैं, ये सारा इम्पोर्टेंट टाइप है, तो एकदम अच्छे से बार बार उसको लिख करके बनाने का कोशिश करो कि एक से दूसरे लाइन में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। अब हम लोग देखें, ये टाइप का भी प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने कि एक आदमी प्रति रुपये 6 संतरे खरीदता है और उसे कितने पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। मैंने बताया था खरीदता है मतलब सीपी आप निकाल सकते हो, सीपी क्या होगा, तो रुपीज ऊपर लिखते हैं ₹1/6, और बताया था इतना तो आपका सीपी हो गया, तो 1/6। सीपी के साथ कौन होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी 120/100 काट देंगे 1/5, यानी ₹1 में 5, यानी 5 for rupees 1, 5 ऑरेंजेस ₹1 में बेचना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एकदम रुपीज ऊपर लिख लो, नीचे 6 into, अगर 20% प्रॉफिट है तो 120/100, अब 20% लॉस होता तो 80/100। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, ये टाइप भी हम लोगों ने देखा था। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ₹1 में 12 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% का नुकसान होता है। ₹1 में 12 ₹1 ऊपर 26, ये हो गया आपका सीपी। 20% का नुकसान होता है तो गुना 80, ये बेचने पर, सॉरी एसपी है, जैसे ही ये एसपी हुआ तो एसपी के साथ 100 और नीचे 80। फिर क्या कर रहा है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ₹1 में कितना बेचना
चाहिए, तो 20% लाभ चाहिए, तो 120/100, 100 कैंसिल, 40 से ये 2, 40 से ये 3, 3 से ये 2, यानी 1/ अच्छा एक में 12 संतरा था, देख ले ये 6 संतरा नहीं है, यहाँ 12 संतरा है, बनेगा वैसे ही रुपीज 1/12 इंटू क्या होगा, जब ये एसपी है तो उसके साथ 100/80, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस इंटू 120/100, 100 कैंसिल, 1010 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, 1/8 यानी 1 रुपये में 8, किस रेट से बेचेगा तो 1 रुपये में 8 बेचेगा, समझ में आ रहा है। 49, एक व्यक्ति ने 500 पेन खरीदे, 25 पेन 28 की दर से खरीदे, तो दर जब दिया हुआ है ना, तो इस 500 खरीदा कि 5000 खरीदा कि 1 खरीदा, इससे मतलब नहीं है। 25 पेन का फिर वही चीज हुआ, 25 पेन का सीपी कितना, रुपीज 28 ये दिया हुआ है, और उन्हें 18 पेन का एसपी कितना हो गया, रुपीज 20, बस इसको फिर से मिला लो, 25 पेन 28 रुपये में सही है और 18 पेन 20 रुपये में, तो 18 से इसको गुना और 25 से इसको गुना, तो 18 × 144, 18 × 36 = 40 = 10 = 50, 504 हो गया, और ये 25 × 20 = 500 हुआ, तो भी लॉस हो गया, और लॉस कितने का हुआ, 4 का लॉस परसेंट निकालना है, तो 4/504 इंटू 100%, अगर ये 500 हो रहता तो 5 बार में कटता, 0.8 आंसर होता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा है, यानी नन ऑफ दी जब नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे, तो आंसर 0.79% का लॉस होगा। अगला क्वेश्चन, 7 संतरे को 3 रुपये की दर से खरीदा जाता है, 3 रुपया, तो रुपीज को ऊपर नीचे 7, बार बार ये बता रहे हैं, रुपीज ऊपर नीचे क्वांटिटी, 35% और ये हो गया आपका खरीदा जाता है, मतलब सीपी, और सीपी के साथ कौन होगा, तो 100+ प्रॉफिट परसेंट 135/100, और इसे प्रति सैकड़ा, ये तो एक का प्राइस है, प्रति सैकड़ा, तो यहाँ 100 से गुना कर देंगे, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर से सोचेंगे, 7 का कॉस्ट प्राइस 3 है, 1 का कॉस्ट प्राइस 3/7, तो 100 का कॉस्ट प्राइस गुना 100, ये कॉस्ट प्राइस हो गया, आप ऐसे लिखो अगर समझ में वैसे नहीं आ रहा, तो 35% प्रॉफिट है, 135/100, 100 कैंसिल, 7 से 19 × 7 = 133, 19 × 57 ₹57, ऑप्शन सी, दिख रहे हैं? अगला है फिर क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, थोड़ा चेंज आ रहा है, लेकिन उसको आप भी वैसे ही समझने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार 8 ताला 34 रुपये की दर से खरीदा और 12 ताला 57 रुपये की दर से बेच दिया, तो क्या लिखेंगे, 8 का सीपी कितना है, रुपीज 34, और 12 का एसपी कितना है, रुपीज, और उन्हें 12 × 57 रुपये की दर पर बेच दिया, फिर 8 से इसको गुना और 12 से इसको गुना, 12 × 48, 12 + 36 = 40,
इससे इसको 8 × 7 = 56, 8 × 5 = 40 और 5 = 45 घटा दें 16 से 8, 8 × 4 प्रॉफिट हुआ 48 रुपये का, और क्वांटिटी हुआ ताला कितना हुआ 12 × 8 96 ताला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 900 रुपये लाभ कमाने के लिए कितने ताले बेचने होंगे। अब देखिए 48 प्रॉफिट है, 48 लाभ है, 48 लाभ है कितना ताला बेचने पर, 96 ताला पर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 900 लाभ होगा कितना ताला पे, 96/48 × 900, 48 से दो बार में 9 × 2 = 1800 ताला, 1800 रुपये। कितने ताले बेचने होंगे, 1400 ताला बेचना होगा, ये ताला होगा क्योंकि प्रॉफिट 900 रुपये का है। समझ में आ गया, कितना ताला 1800 ताला। फिर से देख ले, 8 का CP 34 है, 12 का SP 57 है, हम लोग निकाल लिए, CP आ गया 408, SP आ गया 456, SP बड़ा है, ये है SP, ये था CP, SP बड़ा है, प्रॉफिट होगा कितने का 48, और ताला कितना हुआ 12 × 8 96, तो 96 ताला है, 48 लाभ है 96 ताला पे, तो 900 लाभ होगा कितने ताले पे, 1800। क्लियर है। आगे, चीनी की कीमत में 20% की गिरावट के कारण एक गृहिणी 500 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद सकती है। देखो चीनी का कीमत 20% घट गया, तो 500 में हम 500 लेकर के दुकान पे गए और वो कह रहा है कि 20% दाम घट गया, तो 500 का 20% हम लोग दुकानदार को क्या बोलेंगे कि 100 रुपया वापस करो। कई बार ऐसा होता है कि उसके बदले वो क्वांटिटी दे रहा है, तो कह रहा उतने में 5 किलो अधिक चीनी खरीद सकती है, यानी 5 kg का नया मूल्य, ये अभी वाला मूल्य हुआ, नया मूल्य ₹100, तो 1 kg का कितना होगा, तो 100/5 यानी ₹20। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये 20% गिरावट, ये नया वाला प्राइस कब है, जब 20% दाम घट गया है, मतलब 80% है, ये 80% बराबर ₹20 है, ओरिजिनल तो 100% होता है, तो 20/80 × 100 कटेगा ₹25 पर केजी। तो क्वेश्चन बहुत इजी था पढ़ने के साथ, कि चीनी की कीमत में 20% गिरावट आया, तो 500 का 20% ₹100, 5 kg का नया मूल्य ₹100, 1 kg तो निकल गया। क्लियर। अब 80% 20 है तो 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये क्वेश्चन पे आते हैं 54। एक कुर्सी 144 में बेची जाती है, कुर्सी के लागत मूल्य के बराबर, देखो लागत मूल्य के बराबर लाभ परसेंट होता है, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, वो एक्स तो ये भी एक्स। अब हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला, कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ये हम लोग जानते हैं। अब एसपी कितना है 144, सीपी अगर एक्स इंटू 100 प्लस एक्स बाई 100,
अगर इक्वेशन बड़ा हो तो सॉल्व नहीं करते हैं, ऑप्शन से x का मान रख के निकाल लेते हैं। x का कौन सा मान रखें, जैसे 90 लेंगे पहला, तो 90 गुना 190 19 नवा 171 आ रहा है। अगर 80 ले तो 80 गुना 180 बटा 100, ये दो जीरो कट गया, 18 अठे 144 सेटिस्फाई किया, इसलिए आंसर कितना 80। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम देखने के साथ 18 अठे 144। ऐसा एक आध क्वेश्चन और होगा, देखे एक वस्तु 24 रुपए में बेची जाती है, तो डायरेक्ट लिख लो 24 बराबर x इंटू 100 प्लस x बाय 100, कौन सा वैल्यू ले। अगर 20 लेते हैं तो 20 गुना 120 तो 12 गुना 24, 20 गुना 120 बटा 100 तो 12 गुना 24, इसको सेटिस्फाई किया तो x का मान 20 हो गया, यानी सीपी भी 20 और प्रॉफिट परसेंट भी 20। तो लागत मूल्य पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा, ₹20। तो एक और क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, एक वस्तु 9 रुपये में बेची जाती है, वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि परसेंट, ये हानि है, 9 में बेची जाती है तो 9 तो लिख लिया, x इंटू तो 100 माइनस x होगा, हानि है तो 100 माइनस x बाई 100, x तो लेंगे ही, इंटू 100 माइनस x, तो कौन सा वैल्यू ले। अगर x बराबर 90 ले, 9 है 90 लेके देखते हैं, तो 90 गुना 100 में से 90 घटा 10 बटा 100 कट गया, यानी सीपी आ गया 90, क्वेश्चन और लॉस भी आ गया 90%। ये आया क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कह रहा है यदि इसे समान लाभ परसेंट पे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, समान लाभ यानी सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अगर कर दें बाय 100 तो क्या होगा। तो सीपी तो 90 है, तो 90 गुना 190 बटा 100, 19 नवा 171, यानी ऑप्शन सी। तो ऐसे आज के क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखे, थोड़ा सा आपको उनको प्रैक्टिस करना होगा, जहां डाउट्स होगा उन क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखेंगे कि अगले क्लास में मैं फिर उसको डालूं और आपको बताऊं। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।